नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है रियल मी 6i का फ़ोन। आपके पास रियल मी 6i का कोई भी डिवाइस है, आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कॉन्टैक्ट को कैसे इंपोर्ट करें। अभी मैंने नया फ़ोन परचेज किया है और इसमें मैंने अपना गूगल अकाउंट लॉगिन भी कर लिया है, बट यहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट में जा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कॉन्टैक्ट तो आए हैं बट कुछ कॉन्टैक्ट नहीं आए हैं। तो अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट आपका नहीं आता है, या फिर यूँ समझ लो कि मैं आपको इस वीडियो में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट बताने वाला हूं गूगल अकाउंट से। ओके, किस तरह से आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो गूगल अकाउंट में, और उस गूगल अकाउंट को जहां भी आप लॉगिन करोगे, जिस मोबाइल में लॉगिन करोगे, वहां पे आपका वो कॉन्टैक्ट शो हो जाएगा। या फिर गूगल अकाउंट में अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो अगर फ़ोन में नहीं आता है तो किस तरह से आप ला सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर टू डॉट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा। अब सेटिंग में जाने के बाद कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले पे आपको जाना है, और इसमें आपके ऑल कॉन्टैक्ट हैं 49, फ़ोन में हैं आपके 24 कॉन्टैक्ट्स, और गूगल पे हैं आपके इतने कॉन्टैक्ट्स। जो आपके सिम में कॉन्टैक्ट होते हैं वो भी आपके यहाँ पे फ़ोन में ही शो करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं गूगल अकाउंट के कॉन्टैक्ट पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद डन कर दूंगा। जैसे ही मैं डन करूँगा तो जो अभी कॉन्टैक्ट मेरा शो करेगा वो गूगल अकाउंट का कॉन्टैक्ट सिर्फ और सिर्फ शो करेगा। अब क्या करना है आपको कि आपको वापस से सेटिंग पे चले जाना है। और अब अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपका फ़ोन का, गूगल का जितना भी सारा कॉन्टैक्ट है वो सारा ऑल कॉन्टैक्ट में ही दिखे, तो आप ऑल कॉन्टैक्ट पे जा सकते हो। ओके, और अगर आपका गूगल का कॉन्टैक्ट शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर यूजर एंड अकाउंट पर चले जाना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यूजर एंड अकाउंट पर चला जाऊँगा। इसके बाद आपको इस पे चले जाना है अपनी आईडी पे। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो इसको एक बार अनचेक कर देना है, और इसके बाद वापस से इसको चेक मार्क कर देना है। इससे होगा क्या कि जितना भी आपका कॉन्टैक्ट है वो सिंक हो जाएगा मोबाइल के साथ, मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है, आपका सारा कॉन्टैक्ट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगा। ओके, तो फिर आप चेक करोगे तो आपका सारा कॉन्टैक्ट इसमें मिल जाएगा। और अगर आपका फिर भी कॉन्टैक्ट इंपोर्ट नहीं हो पाता है गूगल अकाउंट से फ़ोन में, तो नीचे कॉमेंट सेशन में कॉमेंट कीजिए। इसके बाद एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा दोस्तों, कि आप जब भी कॉन्टैक्ट सेव करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कॉन्टैक्ट आपका कहाँ सेव हो रहा है। ये वजह होता है कि जब आप मोबाइल को रीसेट करते हो तो आपका सारा कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करो। तो गूगल अकाउंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट पर जाओ। कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आप जब प्लस के आइकन पे जाते हो और कोई भी नाम डालते हो, इसके बाद कोई भी नंबर आप डाल देते हो और डायरेक्ट सेव कर देते हो, तो इससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका कॉन्टैक्ट कहाँ सेव हो रहा है। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में स्टोरेज लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो स्टोरेज लोकेशन पर जाना है और फ़ोन की जगह पर आपको गूगल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट शो कर जाएगा, और इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। ओके, तो जो भी मैंने यहाँ पे सेव किया है वो गूगल अकाउंट में चला गया, यानी कि अगर मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो भी जाता है तो मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट वापस आ जाएगा जब मैं गूगल अकाउंट लॉगिन करूंगा। तो एक बार जब आप स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट कर दोगे तो आपका यहीं पे कॉन्टैक्ट सेव होगा। ओके, सिर्फ एक बार आपको एक कॉन्टैक्ट के लिए सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेव करोगे आपका जो ये कॉन्टैक्ट है ये आपका सेव हो जाएगा गूगल अकाउंट में। ओके, अब इस गूगल अकाउंट को जिस मोबाइल में डालोगे उस मोबाइल में वो सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, और कॉन्टैक्ट लाने का तरीका आपको बता ही चुका हूँ। वैसे कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने फुल वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।